नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पटियाला झड़प और हिंसा के मामले में मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने रविवार सुबह करीब 7:30 बजे उसे मोहाली से गिरफ्तार किया। वो मुंबई से मोहाली पहुंचा था। बताया जा रहा है कि बरजिंदर सिंह परवाना का आपराधिक बैकग्राउंड है और उसके खिलाफ पहले से ही 4 केस दर्ज है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने 6 FIR दर्ज की। इनमें 25 लोगों को नामजद किया गया है। इनमें से हरीश सिंगला, कुलदीप सिंह और दलजीत सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। रविवार की सुबह मोहाली एयरपोर्ट से इंस्पेक्टर शमिंदर सिंह के नेतृत्व में CIA पटियाला की टीम ने उसे धर दबोचा। बरजिंदर सिंह परवाना मुंबई से विस्तारा की फ्लाइट पकड़कर मोहाली एयरपोर्ट पहुंचा था। बरजिंदर सिंह परवाना पंजाब के सिख धार्मिक नेताओं में से एक है, जो दमदमी टकसाल जत्था राजपुरा का प्रमुख है। उसकी छवि एक मुखर नेता के तौर पर मानी जाती है। अक्सर सिख आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पक्ष में वीडियो और बयान प्रकाशित करता रहता है। जर्नैल सिंह भिंडरावाले को 1980 के दशक में सिख चरम पंथ का जन्मदाता माना जाता है। 1984 में जन्मे बरजिंदर सिंह परवाना स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल के लिए सिंगापुर चला गया था। वहां से भारत वापस आ जाने के बाद उसने अपना खुद का टकसाल शुरू किया और एक उपदेशक बन गया। परवाना के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ज्यादातर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला कंटेंट ही होता है। परवाना ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक तस्वीर भी अपलोड की है, जिसमें उसने आधी बाजू की टी शर्ट पहनी हुई है। उसकी बांह पर जर्नैल सिंह भिंडरावाले का एक टैटू भी देखा जा सकता है। पिछले साल 8 जुलाई 2021 को मोहाली पुलिस ने बरजिंदर सिंह परवाना को गिरफ्तार किया था। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की शिकायत पर उस पर भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 153, 505 और 120 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पटियाला रेंज के IG मुखविंदर सिंह चिन्ना ने कहा कि उसके खिलाफ 4 FIR दर्ज हैं, जिसके ट्रायल के लिए कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा क्यों हुई थी हिंसक झड़प, ये भी जानना जरूरी है। असल में सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के विरोध में शुक्रवार को पटियाला में एक खालिस्तान विरोधी मार्च निकाला जाना था। इसकी जानकारी के बाद सिख संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस बीच शिवसेना हिंदुस्तान और सिख संगठनों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। हालात इतने ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए कि प्रशासन को कर्फ्यू के साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ गईं। इस घटना के बाद अफसरों पर गाज भी गिरी। पटियाला IG राकेश अग्रवाल को हटाने के बाद सीनियर SP और सिटी SP को भी हटा दिया गया था। हिंदू संगठनों ने घटना को लेकर पटियाला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी। हिंदू संगठनों की तरफ से यह भी कहा गया कि जब तक घटना में सीधे तौर पर शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके बाद प्रशासन की तरफ से हिंदू संगठनों को आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन मिला, जिसके बाद संगठन ने अगले 48 घंटे तक के लिए धरना खत्म कर दिया था। तो ये थी पटियाला हिंसा मामले के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।